देखो, आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे हॉकी टीम के प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये कांस्य का तमगा लेकर आए हैं, तो पंजाब सरकार की ओर से हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, वो इज़ लवर ऑफ गेम्स, सो उन्होंने ये जो है गेम्स को प्रमोट करने के लिए पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है। और साथ में जो भी ये प्लेयर्स हैं उनके लिए 1-1 करोड़ की राशि उनको सम्मान के तौर पर देने का फैसला किया है। सो मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरे हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हमारे अमृतसर के जो प्लेयर्स हैं, और पंजाब के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जो पंजाब का नाम बदनाम करते हैं उनके लिए एक मैसेज है, जो कहते हैं कि पंजाब के नौजवान नशे में है, देखिए कितना बड़ा अवसर है। देखिए, ये जो बदनाम करने की बात है, ये तो है पंजाब में जो नारकोटिक टेररिज्म, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट हैं, देश के उस तरफ से बहुत से वो ड्रोन आते हैं, ऐसे कुछ नशे पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे चलता है। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं पंजाब के, वो ऐसे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इतने इतने बड़े जो तमगे हैं वो भी लेकर आते हैं। सो हमारे नौजवानों पर हमें मान है, नाज है कि वो बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। सर, पंजाब की तरफ से अगली तैयारी की जाएगी, वो गोल्ड लेके आए कहाँ से की? हाँ, देखो, ये तो हम चाहते ही हैं, कोई भी देश चाहेगा तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड लेकर आएँ।